राम जी का पुनः स्थिति क्यों नहीं बनाया? तो सरकार की ऐसी पूरा देश राम नाम पर झूम रहा है। बच्चों बच्चों की जुबान पर राम का नाम और अयोध्या धाम है। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ 22 जनवरी का इंतजार है। पूरी अयोध्या सजी हुई है, दर्शन के लिए कोसों पैदल चलकर लोग आ रहे हैं। हर कोई बस रामलला का दीदार करना चाहता है। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्ने में दर्ज होने जा रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानवासी इसके साक्षी बनेंगे। इसी बीच रामलला के नाम पर राजनीति भी तेज है। बिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, मगर सोशल मीडिया पर बीती रात से ही काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बिहार के गया में अजीब संयोग देखने को मिला। यहां पर भगवान राम के खिलाफ सियासी बयानबाजी करना भारी पड़ गया। रामलला का नाम लेते ही यहां पर मंच हिलने लगा और देखते ही देखते पूरा मंच धराशायी हो गया। दरअसल पसमांदा वंचित महासंगठन के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी की 91वीं पुण्यतिथि पर 18 जनवरी को एक सभा का आयोजन किया था। इस सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी भी शामिल हुए थे। सभा के लिए बनाए गए मंच पर मौजूद वक्ता अपने अपने भाषण दे रहे थे। इसी दौरान एक वक्ता ने श्री राम और राम मंदिर पर सवाल उठाए। यह पूरा मामला जिले के अतरी प्रखंड के डिहुरी गांव का है। यहां पर पसमांदा मुस्लिम समाज की सभा चल रही थी। पसमांदा मुस्लिम की सभा में एक वक्ता भाषण दे रहे थे। वक्ता ने भगवान राम का लेकर सियासत भरी बातें कहने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, अचानक से पूरा मंच हिलने लगा और देखते ही देखते चंद सेकंडों में पूरा मंच धराशायी हो गया। मंच गिरने से थोड़ी देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। जब मंच धराशायी हुआ, उस वक्त मंच पर जेडीयू के नेता और पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। मंच के गिरने की घटना में मुख्य वक्ता पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी के बाएं पैर में चोट भी आई है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि दाहिने पैर के घुटनों में पहले से ही बेल्ट बांध रखा था, अब मंच में गिरने से और चोट लग गई है। कुछ और लोगों के चोटिल होने की बात भी सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बार बार वायरल किया जा रहा है। कई लोग इसके मजे ले रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे मौके पर, जबकि 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम लौट रहे हैं, उस वक्त पर ऐसी सियासत भरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों के कमेंट इसमें यह भी है कि लोग कह रहे हैं कि आखिरकार राम ने दिखा दिया कि उनको लेकर सियासत करना कितना भारी पड़ सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इन नेताओं का जमकर मखौल बनाया जा रहा है और वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जिस वक्त उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, वैसे ही पूरा का पूरा मंच कांप उठा और उसके बाद चंद सेकंडों में किसी को वहां से भागने का वक्त भी नहीं मिला और पूरा का पूरा मंच धराशायी हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन किया गया, ये दोस्तों श्री के वोट लेने का ही सहजा थी। सवाल है दोस्तों कि जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस दिन जो है डेट और दिन में उनको राम जी का पुनः तिथि क्यों नहीं मनाया? तो सरकार की ऐसी